बैक टू द मैथ फॉर इयर्स, आप लोग बहुत ही समय से इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों को एक इंटरव्यू दिया जाए जूनियर शिक्षक भर्ती जो अभी चल रही है 1850। उस पर मुझे लगा कि बहुत ही जल्द मिलूं मैं किसी से जो इसके बारे में डीप नॉलेज रखता हो, जो इसमें कार्यरत हो, और वो एक दो साल से नहीं, कम से कम 4 या 5 साल से कार्यरत हो, जिससे हम लोगों को ये फायदा मिले कि पूरी डिटेल नॉलेज मिले। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में 5 साल से सर्वेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये कार्यरत है और आपको इन डिटेल सारी चीजें बताएंगे। जो मैं बताता तो मैं कहीं ना कहीं इन्हीं से कंसल्ट करता था कि इनसे किस तरीके से पूछता था, अगर मैं कहीं फंस जाता तो पूछ लेता था कि क्या करें, क्या मतलब, क्या ये सही, तो चीजें अंदर की पता चल जाती थी। ठीक है, विभाग की बातें विभाग ही बता सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सर अपना बताएं किस तरीके से, क्या रहा, बच्चे सुने और थोड़ा सा मोटिवेटेड हो, क्योंकि बच्चे काफी, आप समझ सकते हैं, आप भी कंपटीशन के समय थे, आप भी एग्जाम देते, तब भी टीटी होने लगा था तब से। तो आप बताएं क्या कैसे यहाँ पर कार्यरत, मतलब क्या है पूरा सिस्टम, बताएं बेसिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैंने तो 2011 में टीटी क्वालिफाई की है, उसके बाद 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ। सही बात है, जो ये सिलेक्शन होता है ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होता है। आप एक बात को समझते जाए, थोड़ा सा देखिएगा, होता क्या है कि पहली बार जब कोई कैमरे के सामने, थोड़ा सा नर्वस हो सकता है, लेकिन आप बातों को समझिए। देखिएगा मैं कितना आपसे फ्रेंडली हूँ, सर उतना नहीं होंगे, लाइट का भी इशू, लेकिन आप केवल बातों को सुने और समझिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप बताए। तो मेन पॉइंट ये है कि जो इसमें सिलेक्शन होगा या इसमें जो भर्ती होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी, प्रॉपर वही सब्जेक्ट आपको चुनना होगा जो आप ग्रेजुएशन में लिए हो। आपका सर कौन सा था, जैसे थोड़ा सा? मेरा ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी था और इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस। इसमें से मैंने इंग्लिश प्रेफर की, तो ये इंग्लिश के तौर पर मेरा सिलेक्शन हुआ। इंग्लिश के तौर पर, तो सर जब सिलेक्शन होता तो एक इंटरव्यू होता था, किस तरीके से विज्ञप्ति निकलती थी उस टाइम, अभी पहले? हाँ, ये न्यूज़पेपर में निकलती थी, और न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति निकलती थी। उसके बाद जो है फिर ये लोग अपने दस्तावेज कलेक्ट करके बीएससी ऑफिस जाते थे। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ ले, तब ये मैनेजमेंट के थ्रू उसमें इंटरव्यू हुआ था। कई सारे बच्चे आए, मैनेजमेंट ही पूरा प्रोसेस इसका उस समय का। अच्छा, तो अब ये चीज आप ये बताएं कि बच्चे पूछ रहे हैं किस क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। ये यहाँ पर 6, 7 और 8, ये तीन के रहते हैं। और सर ये बताएं बच्चों और टीचर का रेशियो क्या रहता है? बच्चों 35 बच्चों पर 1 टीचर होता है, 35 बच्चों पर 1 टीचर होते हैं इनके विद्यालय में। वो जैसे 200 बच्चे हैं, इसलिए 5 से 6 आई थिंक मैं टीचर 1 हेड। अब यहाँ पर 5 अध्यापक और 1 हेड टीचर है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की भी नियुक्ति अब आयोग से हो रही है, आप देख रहे हैं 300 पद इसी में, वो भी है। ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस मांगा है, तो प्रिंसिपल वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं और समझा सकता हूँ किस तरीके से उनका ग्रेड पे भी, मैंने आप लोगों को बताया उनका 4800 होता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल है, 4600 इन लोगों का होता है, और बी ग्रेड है। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिक पे से रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात की, तो यहाँ पर अब जो क्लर्क है, क्लर्क की पोस्ट आई थिंक क्लर्क की पोस्ट खत्म कर दी गई है। और दूसरी बात आपका प्यून की भी, चपरासी की भी पत्र, अब मतलब टीचर्स को अपने माध्यम से खुद से ही पानी वगैरह पीना है, टीचर के लिए कोई सुविधा नहीं है। धीरे धीरे सरकार जो है पद को घटाती जा रही है, आप देख रहे हैं, पद कम करती जा रही है, पद बढ़ाने चाहिए तो कम करती जा रही है। उसका साइड इफेक्ट पड़ता है कि बच्चों, भाई अब टीचर थक जाएगा, उसको पानी भी खुद से ही लाना है। अब बताइए क्लर्क का काम कौन करेगा, बताइए उन्हीं 5 टीचर्स में से कोई करेगा? अब वहां पर क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जूनियरिटी सीनियरिटी चलती हर जगह चलती है, हर जगह करोगे, किसी भी दफ्तर में यदि आप है तो वहां पर जूनियर सीनियर चलता है। अब सर में भी जूनियर है तो सर को ही वो काम देखने पड़ते हैं। अब सर जो क्लास ले रहे थे सब्जेक्ट, वो सर अब नहीं ले पा रहे, भाई उस दिन अब बंदा बाहर चला गया, भाई बीएससी ऑफिस जाता है, आपको भी जाना पड़ेगा, कल आप ज्वाइन करेंगे, तो ये सारा मैनेजमेंट का ही सिस्टम है। थोड़ा सा ये चीजें रहती है मैनेजमेंट की, आप किसी सरकारी दफ्तर में भी है तो जूनियरिटी सीनियरिटी चलती है, तो इस चीज को समझ लो, आप जूनियर रहेंगे थोड़ा सा रिस्पेक्ट रहती है, अमूमन मतलब बड़े जाकर करना पड़ता है, भाई सीधी सीधी बात है, कोई आपसे सीनियर, अब आप उसको थोड़ी ना भेज देंगे कि आप चले जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये सारी चीजें आपने समझी और विषय का भी समझ लिया। अब वेतन का जो इन लोगों का मेन पॉइंट है, थोड़ा सा वेतन पर आप इलेबोरेट ये कर दे कि वेतन किस तरीके से,
रहता क्या शासन द्वारा सीधे डायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं आता, सबसे पहले वहाँ से वेतन बिल लेखा कार्यालय से मिलता है, उसको लेकर आना होता है, फिर प्रिंसिपल के साइन और उसके बाद मैनेजर के साइन होकर जाते हैं वहाँ पर, फिर से जमा करना होता है, इसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग जाता है, वहाँ से क्लिक होता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बात बता दूँ सर कि पूरे विद्यालय का वेतन आता है, किसी पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का आता है, पूरे विद्यालय का आता है, पूरी चीजों को समझता है, नोट भी कर सकता है, किसी को बताए। देखिए मेरे चैनल से आप लोगों को लगता है किसी को भी अगर दूसरे को भी कन्वे करें तो ये डिटेल बात बताए, कोई शॉर्ट में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये हम लोगों को समझ में आए कि जो वेतन आएगा वो पूरे विद्यालय का पास होगा। आप यदि ये सोचे कि आपका अलग से आया जाएगा तो नहीं आएगा, सबके अकाउंट में पूरे विद्यालय का वेतन आता है। और टैक्स स्लिप वगैरह वो मैंने समझा दिए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये बताएं कि सर ये क्या पूर्ण सरकारी है या अर्ध सरकारी, इस पर भी बात बता दें। ये पूर्ण सरकारी नहीं, ये अर्ध सरकारी है, सेमी गवर्नमेंट है, जिस तरीके से बैंक भी सेमी गवर्नमेंट पूर्ण नहीं है, तो उस तरीके से ये विद्यालय भी, क्योंकि मैनेजमेंट ही यहाँ पर पूरा कार्य देगा, सरकार का इसमें हस्तक्षेप केवल सैलरी पास करने में, बात बाकी मुझे नहीं लगता, कहीं पूरा मैनेजमेंट के हाथ में वही सब करता है। अब सर ये बताएं, आप इंग्लिश के टीचर के रूप में आए, ठीक है, बहुत बड़ी बात, यहाँ पर बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि आप टीचर के रूप में आए, इंग्लिश के टीचर, तो क्या आपको इंग्लिश की ही क्लास लेनी रहती है क्या सब सब सब्जेक्ट लेनी रहती है? नहीं, इंग्लिश की क्लास नहीं लेनी होती है, अगर कोई टीचर नहीं तो उसके सब्जेक्ट जो पढ़ाता है उसको पढ़ाना पड़ता है। और प्राइमरी टू जूनियर सभी क्लासों में जो नियुक्तियाँ होती हैं, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाने थे, लेकिन एक मतलब एक माध्यम बनाया हुआ एक सिस्टम है वो, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, लेकिन पढ़ाना आपको जब पड़ेगा तो सब पढ़ाना पड़ जाएगा, सब आपका नॉलेज होने, देखिए कक्षा 8 तक बेसिक नॉलेज आप भी पढ़े हैं, और यहाँ पर जब आपने जूनियर टीटी पास करते तो उसमें भी यही है, यही सब चीजें हैं, और उसके बाद इसका एग्जाम भी यही सब है, तो ये सारी चीजें रहती है। तो विद्यालय का ये हो गया, आपके पढ़ाने का हो गया, और सर ये बताइए कि वेतन किस तरीके से, मतलब बेसिक तो हमने भी बता दिया है, पढ़ने का क्या तरीका, कितने तक बढ़ जाता है धीरे धीरे, कहाँ तक आपको 20 ए ग्रेड तक प्रमोशन कैसा क्या है, थोड़ा सा प्रमोशन का बताएं। इसका प्रमोशन इसमें 10 साल में है, प्रमोशन 10 साल में, अच्छा, और 22 साल की नौकरी के बाद जी प्रोन्नत वेतन मानता, मतलब ग्रेड पे बढ़ जाता है, 4600 फिर 4800, 4800 से 5400 तक चला जाता है, जैसा मैंने वहां पर भी दिखाया, सदी वालों में 5 साल में हो जाता है, अच्छा, और इसमें 10 साल में होता है, 10 साल में होता है, इस बात को भी समझ ले। तो प्रमोशन का भी सर ने बताया कि प्रमोशन किस तरीके, सर के 5 साल हो चुके हैं कार्यरत है, और अपने जिले में ही जहाँ इनका घर है वहीं पर कार्यरत है, इस तरीके से पहले हो जाती थी वैकेंसी, लेकिन अब आप समझ रहे हैं किस तरीके से हो रहा है, मैंने मतलब सरकार के थ्रू होगा, आयोग के थ्रू, तो कोई भी कैंडिडेट कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप अपने जिले पर है, मेरिट बेस पर सब काम होगा, ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद सर कितने से कितना क्या बहुत ज्यादा बर्डन है, कैसी नौकरी, बच्ची और भी तैयारी कर सकते हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बेचारे आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, पर सदी विद्यालयों की अपेक्षा इन विद्यालयों में बर्डन बहुत कम है, अच्छा अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा सरकार का हस्तक्षेप होता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है जी, और इसमें थोड़ा बहुत जो होता है मैनेजमेंट का हस्तक्षेप होता है, समझ लीजिए आप चीजों को, ठीक है। तो आप अपने पढ़ने का समय उसके साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, अच्छा माहौल होगा, वहाँ का माहौल कैसा रहता है, बच्चे किस तरीके से उनको ज्यादा टैकल करना पड़ता है क्या, गांव के परिवेश के बच्चे हैं ज्यादा नहीं, तो वो जूनियर लेवल थोड़ा अपर लेवल होता है, तो इसलिए बच्चे थोड़ा समझदार होते हैं, थोड़ा समझदार और जल्दी से समझ जाते हैं। हाँ ये मेन चीज देखो, प्राइमरी वालों ने अगर अच्छे से पढ़ाया होगा तो सर वो कम मेहनत करनी पड़ेगी, अगर वहाँ गड़बड़ी हुई है तो सर वो ज्यादा मेहनत करेगी, सीधा सिंपल सा लॉजिक है, ये हर विद्यालय में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आप पढ़ाई कर सकते हैं बड़ा आराम से। तो सर्दियों में तो आई थिंक 9 से 3 यही सब रहता है, 9 से 3 और उसके बाद 8 से 2 अब 2 कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है, 2 कर दिया है अभी, 1-1 घंटे का बढ़ा दिया है, तो 8 से 2 कर दिया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मियों सर्दियों में जिस तरीके से बेसिक का रहता है, और छुट्टियां भी आई थिंक बेसिक की तरीके से बराबर ही, ये समझ लें बेसिक की जितनी छुट्टियां होती है उसकी कितनी, इसमें यह बताएं कितनी छुट्टियां आपके हाथ में होती है, ये सरकारी तरफ से तो अलग आती है,
आपके हाथ में कितने? 14 छुट्टी देते हैं कैजुअल और 10 मेडिकल। ठीक है, आपको 14 दिन की सीएल मिलेगी और मेडिकल मिल जाएंगे, कितनी 10, तो 14 10 24 मेरे भाई ये हो गए, और 52 कितने हो गए संडे, मोटी मोटी घड़े लगा ना मेरे साथ। और त्योहार की कितनी थी इस बार? आई थिंक 20 दिन नहीं, वो पूरी पूरे साल की कितना पूरा कैलेंडर आता है 38 छुट्टी थी। अब आप समझ सकते हैं 38 40 और उधर 60 जोड़ दीजिए 100 के ऊपर छुट्टी है, आप समझ लीजिए मोटी मोटी मेरे अंगे नहीं। और कोई भी ये जो सीएल होती है मेडिकल छोड़ता नहीं, कोई भी कैंडिडेट ठीक है कोई भी मतलब पढ़ाता होगा तो छोड़ता नहीं भाई, ये रात की छुट्टी है तो कहीं ना कहीं कैजुअली साल भर में तो हो ही जाती। तो इस तरीके से आप समझ लें आपकी छुट्टी देखिए कितने दिन की।